दिसंबर 2019 को एक पेपर हुआ था जूनियर इंस्ट्रक्टर का, जिसमें वायरमैन में पूछा गया है। प्रश्न है, अपना लूण करण सर लिफ्ट नहर के नाम से किस नहर को या नहर परियोजना को जाना जाता है? तो लूण करण सर जिसका प्राचीन नाम था, उस नहर का अब वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, ये है प्रश्न। इसके ऑप्शन अपने पास दिए हुए हैं, जैसे पन्ना लाल बारूपाल, सेकंड ऑप्शन है कंवर सेन, तीसरा है इंदिरा गांधी और अंतिम ऑप्शन है वीर तेजाजी। तो इनमें से इसका सही आंसर हो जाएगा कंवर सेन लेफ्ट नहर, जो कि कंवर सेन लिफ्ट नहर है, उसको पहले लूण करण सर लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता था। यह प्रथम और सबसे लंबी लिफ्ट नहर मानी जाती है। जो कंवर सेन लिफ्ट नहर है, यह सबसे लंबी और सबसे पहली लिफ्ट नहर मानी जाती है। अब इसकी डिस्क्राइब देख लेते हैं कि कौन कौन सी नहर हैं। तो सबसे पहली नहर आती है अपनी लूण करण सर लिफ्ट नहर, जिसका प्राचीन नाम लूण करण सर और इसका वर्तमान नाम की बात करें तो कंवर सेन लिफ्ट नहर है। इस लिफ्ट नहर से जो लाभान्वित ज़िले हैं उनको, जैसे गंगानगर हो गया, बीकानेर हो गया, इस लिफ्ट नहर को बीकानेर की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है और यह सबसे प्रथम सबसे लंबी नहर मानी जाती है। दूसरा है नौहर साहवा लिफ्ट नहर, इसका वर्तमान नाम है चौधरी कुंभाराम और इससे लाभान्वित ज़िले हैं हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू। तीसरी लिफ्ट नहर हो गई अपनी गजनेर लिफ्ट नहर, जिसको वर्तमान नाम है पन्नालाल बारूपाल, इससे लाभान्वित ज़िले हो गए अपने बीकानेर और नागौर। बीकानेर और नागौर को इस लिफ्ट नहर से पानी मिलता है। चौथी है फलौदी लिफ्ट नहर, जिसका वर्तमान नाम है गुरु जाम्भेश्वर लिफ्ट नहर, इससे भी बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर को जल की प्राप्ति होती है। अगली है कोलायत लिफ्ट नहर, जिसका वर्तमान नाम करणी सिंह लिफ्ट नहर है, इससे बीकानेर, जोधपुर को जल की प्राप्ति होती है। छठी है पोकरण लिफ्ट नहर, जिसका वर्तमान नाम जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर है, इससे जोधपुर और जैसलमेर को पानी मिलता है। अंतिम है बांगड़सर लिफ्ट नहर, जिसको अपन बोलते हैं वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। बांगड़सर लिफ्ट नहर से बीकानेर को जल की प्राप्ति होती है और यह सबसे छोटी लिफ्ट नहर मानी जाती है। तो इस प्रकार की छोटी और शॉर्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।